पैसों की थी तंगी, मॉडलिंग का लिया सहारा, फिर भी नहीं हुआ गुजारा, तो आई भारत अब करोड़ों कमाती है एक्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल ही भारत के नहीं है, बल्कि दूसरे देश से आकर भारत के बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपनी पहचान बनाई और आज नेम फेम के साथ साथ काफी अच्छा पैसा भी कमाती है दोस्तों। और इन नामों में कैटरीना कैफ का भी नाम शामिल है, तो बन रही इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने का सपना के लिए न जाने हर दिन कितने लोगों सपनों की नगरी मुंबई में अपनी कदम रखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनका सपना साकार होता है और वो अपनी इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाने में कामयाब होते हैं। दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कई एक्ट्रेस ने तो अपना देश ही छोड़ दिया, जिनका नाम आपको इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड के 5 ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूं जो आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये एक्ट्रेस भारतीय नहीं है। जी हां दोस्तों, ये एक्ट्रेस विदेशों से आकर अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आज बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में शामिल कैटरीना कैफ का है। बता दें दोस्तों कि कैटरीना कैफ मूल रूप से ब्रिटिश हैं, हालांकि इनका जन्म हांगकांग में हुआ था। दोस्तों मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली इस एक्ट्रेस ने साल 2003 में फिल्म बूम से एक बॉलीवुड में कदम रखी। बता दें कि उनकी पहली फिल्म ही पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। दोस्तों कैटरीना कैफ का असली पहचान सलमान खान के फिल्म मैंने प्यार क्यों किया इससे मिली। उसके बाद दोस्तों कैटरीना कैफ अक्षय कुमार के साथ कई हिट फिल्मों में नजर आई। आज कैटरीना कैफ हर फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए की फीस चार्ज करती है। दोस्तों अगले नंबर पर जो एक्ट्रेस है जिनका नाम है जैकलीन फर्नांडिस, इन दिनों महागठन सुकेश चंद्रशेखर के चलते विवादों में घिरी हुई एक्ट्रेस मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली है। जी हां दोस्तों, ये एक्ट्रेस मूल रूप से श्रीलंका की है। बता दें दोस्तों कि इनका जन्म बहरीन में हुआ था और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बना रही है। दोस्तों बता दें कि जैकलीन ने 2009 में सुयश घोष की फिल्म अलादीन से डेब्यू किया था, पर उन्हें पहचान साल 2001 में आई फिल्म मर्डर 2 से मिली थी। दोस्तों अगले नंबर जो एक्ट्रेस है वो अपनी हॉट फिगर्स के लिए बॉलीवुड में पूरी तरह से मशहूर है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नोरा फतेही के बारे में। इन दिनों जब भी बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग की बात होती है तो सबसे पहले नाम नोरा फतेही का ही आता है। दोस्तों नोरा फतेही ने आइटम सॉन्ग से बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह बना ली है। बता दें दोस्तों कि ये भी एक्ट्रेस इंडिया का नहीं थी, ये एक्ट्रेस कनाडा से भारत आई थी। जी हां दोस्तों, एक कनाडा की रहने वाली एक्ट्रेस थी जो कि भारत आई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अच्छा खासा पहचान बना चुकी है। वेल दोस्तों अगले नंबर पर जो एक्ट्रेस है जिनका नाम है सनी लियोनी। जी हां दोस्तों, ये एक्ट्रेस भी अब बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। दोस्तों नोरा फतेही की तरह सनी लियोनी भी आइटम सॉन्ग के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान बॉलीवुड की इंडस्ट्री में बनाई है। इसके साथ साथ दोस्तों सनी लियोनी कई फिल्मों में लीड रोल के रूप में भी नजर आई है। बता दें दोस्तों कि सनी लियोनी कनाडा में जन्मी थी, उनके पास अमेरिकन और कनाडा की नागरिकता थी। दोस्तों अगले नंबर पर जो एक्ट्रेस है वो है एक अमेरिकन एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नागरिस फाखरी के बारे में। तो ये एक्ट्रेस अमेरिकन एक्ट्रेस है, यानी कि दोस्तों ये एक्ट्रेस इंडिया का नहीं बल्कि पूरी तरह से अमेरिकन है। बता दें कि यह साल 2001 में फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू की थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इस फिल्म में दोस्तों यह रणबीर कपूर के अपोजिट में नजर आई थी। नागरिस फाखरी ने एक्टर उदय चोपड़ा के संग अपने रिश्तों के चलते खूब सुर्खियों में भी बनी हुई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे एक्ट्रेस जो कि इंडिया के नहीं बल्कि दूसरों देशों से आई और आज भारत जैसे देश में आकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखी और आज नेम फेम के साथ साथ दोस्तों अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है। वैसे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले